होम शेफ्स, मैं हूं अतिमा। हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे फ्रिज में पत्ता गोभी रखी हुई थी। पत्ता गोभी तो हर सीजन में आसानी से मिल जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना आज पत्ता गोभी ही बना लेते हैं। तो जनरली पत्ता गोभी हम एक ही तरह से बनाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि पत्ता गोभी कुछ अलग तरह से बना ली जाए। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है पत्ता गोभी थोरन। दक्षिण भारत में सब्जियों का थोरन बनाया जाता है, तो आज पत्ता गोभी के थोरन के लिए मैं जो सामान लूंगी, सबसे पहले लूंगी 4 कप पत्ता गोभी कटी हुई। तो पत्ता गोभी हमने तौल के नहीं ली है, बस अंदाजे से ले ली है। और साथ में हमने घिस लिया है 1 नारियल, या करीब 1.5 कप हो गया है। हमने लिया है 1 बड़ा प्याज जिसे हमने पतला पतला काट लिया है। 12-15 कली लहसुन है, 4-5 हरी मिर्चे है, 1 चम्मच जीरा है छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी है, करी पत्ते हैं थोड़े से मतलब 1 डंडी, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल है, 1 छोटा चम्मच राई है, और हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये मैंने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है, और नमक तो हम डालेंगे। ये बड़ी आसान सी डिश है, बहुत जल्दी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये पैन ले लिया है और मैं इसको आंच पे चढ़ा देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ ये रिफाइंड ऑयल। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं राई। राई के साथ ही हम डाल देते हैं उड़द दाल और इनको थोड़ा सा चला देते हैं। अब हम डाल देते हैं करी पत्ता। करी पत्ता जरा हम तोड़ के डालते हैं ताकि उसकी खुशबू पूरी आए। ये सब भी मिला लेते हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। अब इस सबको अच्छी तरह मिलाते हैं। इस प्याज को हम हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा पिंक हो जाए बस, हल्का सा गल जाएगा। उड़द की दाल, करी पत्ता, प्याज, सबकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ। अब प्याज करीब करीब हो गए हैं, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं पत्ता गोभी। और डाल देते हैं आधी हल्दी। और अब इसको हम ठीक से चला देते हैं। ये पत्ता गोभी खूब अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए हल्का हल्का सा ये अभी से ही गलने लगी है। हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसको हमने ठीक से चला लिया है। अब हम आंच धीमी कर देते हैं और इसको ढक देते हैं बस 2 मिनट के लिए। अब हम जल्दी से थोरन के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं लहसुन, ये करीब 10-12-15 कली थे, और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने 3-4 ले ली हैं और इनकी डंडियाँ निकाल ली हैं। और इसके साथ हम डाल देते हैं जीरा और इसे हम एक बार पीस लेते हैं। अब हमने इसे ठीक ठाक सा पीस लिया है। अभी हम इसमें नारियल डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम पत्ता गोभी के पैन का ढक्कन खोल देते हैं। हाँ, पत्ता गोभी थोड़ी सी पनीली सी हो गई है, इसको एक बार चला देते हैं। अब हम इसे खोल के ही पकाएंगे, बस 3-4 मिनट तो लगते हैं, ज़्यादा समय तो लगता नहीं पत्ता गोभी को गलने में। अब हम इसमें नारियल डाल देते हैं। पहले हमने नारियल इसलिए नहीं डाला था इनमें और इनको पहले पीस लिया था, क्योंकि अगर इसे पहले ही नारियल डाल दो तो उसके टुकड़े रह जाते हैं मिर्चे के और लहसुन के, तब वो बारीक नहीं पिसाता और खाने में अच्छा नहीं लगता है। पहले तो मोर्टार हुआ करते थे, तो उस समय सब चीज़ें आराम से पिस जाती थी, अब मिक्सी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब नारियल हो गया है, अब हम इसमें हल्दी भी डाल देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। मिक्सी तो मिक्सी ही होती है, टाइम ले ली थोड़ा सा। लीजिए, ये हो गया हमारा थोरन का मसाला तैयार और ये पत्ता गोभी भी हो गई है। देखिए पत्ता गोभी को बिना ढके पकाने से ये कितनी खिली खिली बनी है, इसमें पानी नहीं है और ये गल भी गई है। अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। अब बस इसको 1 मिनट और चलाएंगे, सब चीज़ें अच्छी तरह मिला लेंगे और अब सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे नमक।
ये गया इसमें नमक, इसको ठीक से मिला लिया, आंच बंद कर दी और बन गया हमारा कैबेज थोरन। तो है ना ये आसान सी डिश, लहसुन जीरा और नारियल का सोंधापन ही इसकी खासियत है। तो चक्कर देखते हैं। पत्ता गोभी में थोड़ा सा क्रंच है जो इसमें होना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम मसालों से भी कितनी अच्छी सब्जी बनती है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा मसाले डाले जाएं। तो आप भी इस सब्जी को बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।